हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। तो ना आज हम लोग बनाने वाले हैं कोहड़ा फूल, है ना, उसका बचका बनाने वाले हैं फ्रेंड, या फिर पकोड़ा भी आप बोल सकते हैं इसे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ना कोहड़ा फूल होता है ना, उसका ऊपर सिरे में इस तरह से डंठल होता है, उसे ना बाहर फेंकेंगे फ्रेंड, इस तरह से देख सकते हैं आप। और ना चेक कर लेंगे कि कोहड़ा का फूल में कीड़ा वगैरह छोटा छोटा लग जाता है या फिर चींटी लग जाता है, उसे साफ़ कर ले इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ इसमें ना कुछ भी नहीं लगा है, साफ़ है बिल्कुल। तो हम लोग ना बीच से इस तरह से कट लगा लेंगे और दो हिस्सों में बांट लेंगे फ्रेंड, देख सकते हैं। तो सारे कोहड़ा फूल को ना इसी तरह से कर लें, कट लगा लें और ना हम इसे धो लेंगे। कंपलसरी नहीं है धोना, आप चाहो तो धो सकते हैं या फिर नहीं। फिर एक बर्तन में छान के निकाल लेंगे फ्रेंड। तो रात में ना मैंने चना का दाल भिगो के रखा था और थोड़ा सा अरवा का चावल भिगो के रखा था, देख सकते हैं आप। इसे हम ना पीस लेंगे फ्रेंड्स। तो ना सबसे पहले हम लोग डालेंगे 10 लहसुन का कलियाँ और ना 5 लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 स्पून जीरा डालेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्टी लगता है फ्रेंड। इसे ना सिलबट्टे या फिर मिक्सी में पीस लें, मैंने ना सिलबट्टे में पीसा है। और स्वाद अनुसार हम लोग नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे और इसे ना हाथों से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मिला ले फ्रेंड आप भी। तो हम लोग ना मिला लिए हैं। इधर ना गैस ऑन करके तवा गरम करेंगे। हम लोग का जो तवा है ना वो गरम हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे तेल और इसे अच्छे से मिला लेंगे छोलनी की सहायता से तेल को। तो हम लोग तेल को मिला लिए हैं फ्रेंड। इधर ना फूल को बेटर में डालेंगे और इस तरह से ऊपर में इस तरह से बेटर को डाल ले फूल का, और इसे ना दोनों साइड से डाल के हम लोग तावा में डाल लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं आप। तो सारा फूल को ना हम लोग इसी तरह से तावा में डाल लेंगे फ्रेंड्स। और 2 मिनट के बाद में ना हम इसमें ऑयल डाल लेंगे ऊपर से, ताकि ना क्रिस्पी बने और खाने में अच्छा लगे। तो जो चिपक गया था ना, तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। और ना 4 मिनट के बाद में हम इसे पलट लेंगे, हाई फ्लेम में पकाएं, अच्छा बनता है। तो इसी तरह से सारा को पलट लिया है मैंने। 2 मिनट के बाद में ना ये पक जाता है। तो फिर 2 मिनट हो गया है, तो हम ना सारा फूल को इसी तरह से निकाल लेंगे, फूल वाला जो बचका है ना उसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स। बहुत अच्छा पकौड़ा बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो फिर से ना हम उसी प्रोसेस में बनाएंगे, इस तरह से बेटर में डाल के फिर फूल को इस तरह से गर्म तावे में रख लेंगे और फिर फ्राई कर लेंगे। और ना वेटर मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था तो बच जा रहा था, तो मैं ना ऊपर से इस तरह से बना देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ट्राई करें इस तरह से, जब बच जाए ना तो आप भी बना सकते हैं, तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। एकदम बड़ा बड़ा फूल भी दिखता है, छोटा फूल भी बहुत बड़ा दिखता है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो इसी तरह से ऊपर से तेल डालेंगे हम लोग, ताकि ना सब साइड अच्छा से पकेगा और ना तेल भी अच्छा से घुसेगा, तो पकोड़ा जो होता है ना खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर भी आ रहा है हम लोग का पकोड़ा में, अच्छा फ्राई भी हो रहा है, चावल के साथ भी अच्छा लगता है खाने में। और ना इससे आप कटोरी में चावल के बिना भी खा सकते हैं या फिर रोटी के बिना भी आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बट ज़्यादातर चावल के साथ खाया जाता है इसे। तो हम लोग इसी तरह से उतार लेंगे सारा बचका को, देख सकते हैं आप। तो जितना बचका है ना वो सारा बचका बन गया है हम लोग का। इसी तरह से सारा बचका को बना के हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोग को सब करके दिखाते हैं। इस तरह से बना के आप रेडी कर ले, ठीक है फ्रेंड।